देवी और सज्जनों नमस्कार। जैसा कि आप अभी देख चुके हैं हमारे गार्डन के पास में बाहर साइड में ये चिरपोटा, जिसके बारे में गुरुजी आज हमें उसके औषधि गुण बताने वाले हैं। और ये चिरपोटा जो जैसे हम चिरपोटी या रसभरी या और भी इसके नाम हैं, अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से इसे बोलते हैं अपनी अपने क्षेत्र की भाषा में। जो भी क्षेत्र हैं उनकी बोलियाँ अलग अलग होती, क्योंकि ये एक प्रकार से खरपतवार की तरह ही होता है खेतों में, लेकिन इसमें बहुत सारे औषधि गुण पाए जाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं इस तरीके से इसमें फल बनते हैं। आपके क्षेत्र में क्या बोलते हैं इसे आप हमें कमेंट में लिखकर बताइएगा। और एक थोड़ी सी जानकारी देना चाह रहा था मैं, गुरु जी का जो व्हाट्सएप नंबर है, मोबाइल है उनका, वो अभी थोड़ा सा ख़राब हो गया है। तो इस कारण यदि हो सकता है कि एक दो दिन या कुछ समय आपको शायद संपर्क ना हो पाए। यदि आपने किसी प्रकार की दवाइयों का ऑर्डर किया हुआ है गुरुजी के पास से और वो मिल जाएंगी वो तो समय पर ही, उसमें कोई समस्या नहीं है। तो आप यदि अभी देख रहे हैं चैनल पर तो थोड़ा सा सब्र रखिएगा, धीरज रखिएगा, उनका मोबाइल ख़राब हो चुका है इस वजह से। और यदि गुरुजी क्योंकि जन सेवा ही करते हैं और ज़्यादा किसी से दवाइयों का कोई भी राशि वगैरह नहीं लेते हैं, इस कारण गुरुजी छोटे मोबाइल से ही काम चलाते हैं। आप देख सकते हैं गुरुजी आपका मोबाइल में क्या हो गया है, ये छोटा मोबाइल है ओप्पो का गुरुजी का। तो ये क्या है कि इसमें कोई सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम या फिर बैटरी ख़राब हो गई है लगभग गुरुजी, गुरुजी कितने 5 साल हो गए क्या लगभग? तो ये 5 साल से गुरुजी इसी को यूज कर रहे हैं और ये अभी शायद कुछ प्रॉब्लम चल रही है इसमें। तो और यदि आपका सपोर्ट हमारे चैनल को मिलता रहे तो गुरुजी के लिए मैं जल्द ही नया मोबाइल और बहुत अच्छा मोबाइल गिफ्ट करूँगा, जिससे कि गुरुजी के व्हाट्सएप नंबर वगैरह और जो भी कांटेक्ट रहता है उनका हमेशा चालू रहा है। तो अब शुरू करते हैं हम इस चिरपोटा के औषधि गुण। और चैनल को अभी से आप लाइक कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छा वीडियो है आपके लिए आज, बहुत अच्छी जानकारी है। ये चिरपोटा हर जगह मिल जाता है। और चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन में आल का बटन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे नए वीडियो जो आएंगे उनके नोटिफिकेशन से आपको मिलते रहेंगे। प्रिय दर्शकों, ये आप देख रहे हैं ये पौधा आयुर्वेदिक जड़ी बूटी घरेलू उपाय में बहुत लाभदायक है। ये हमारे लिए बुजुर्गों पुराने नुस्खे अस्पताल मेडिकल नहीं थे तो पुराने ज़माने में हमारे बुज़ुर्ग जो नुस्खे बताते थे या पेड़ पौधे के बारे में जानकारी देते थे, वही मैं पूर्वजों का माने नुस्खे बताना जा रहा हूँ। ये हमारे बुज़ुर्ग हार खेत में कार्य करते थे और कार्य करते समय ये गांव के आजू बाजू आपके बाड़ी में आपके खेत खलिहान में भी ये पौधा पाया जाता है। इसका नाम तो अपनी अपनी भाषाओं में बोला जाता है, लेकिन इसको मेरी भाषा में आपको बता दूं कि इसको चरपोटा बोलते हैं, इसको रसभरी भी बोलते हैं और इसको अपने मकोए, रसभरी मकोए के नाम से जानते हैं। रसभरी मकोए। अब इसके मैं फ़ायदे बता दूं, ये बच्चों के लिए बहुत अच्छे लाभदायक है। इसके फल जो आप देख पा रहे हैं, ये फल दिख रहे हैं आपको, ये फल जो हैं इसके अंदर है, आपको निकाल के बता दूं, एक गोली टाइप की होती है, ये देखिए ये मको जैसी होती है और ये गोली जो है ये पकने पर अभी हरी है, कच्चा है, जब ये पक जाएगा तो इसका रंग लाल हो जाएगा, सुनहरी कलर की हो जाएगी, पीली टाइप की। और इसको कहीं भी कुछ मिलाने जुलाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट दवाई है। यदि हार में आपके खेती खलिहान में आप घूम रहे हैं या कहीं बाहर गए हैं, आपका पेट दर्द यदि कर रहा है, आपका
पेट दर्द यदि कर रहा, गैस बन रही है, इसको फल तोड़ के तत्काल खा लीजिए, आपको 10-15 मिनट में आपको आराम हो जाएगा। एक गैस के लिए बहुत लाभदायक है ये फल, गैस के लिए बहुत ही लाभदायक है, रामबाण दवाई है ये, पेट में गैस नहीं बनने देती। इसके पत्ते जो दिख रहे हैं आपको, ये देखिए इसके जो पत्ते दिख रहे हैं आपको, इनको एक गिलास पानी में इतने पत्ते लाए, 10-20 पत्ते, 10-20 पत्ते लेके इसको पानी में उबाल लें। जब आधा कप पानी रह जाए तो इसका सेवन करें, तो इससे आपके लिए पेट के जो भी विकार हैं, गैस बन रहा है, दर्द हो रहा है, पेट के अंदर सूजन है, तिल्ली में सूजन है, लीवर में सूजन है, लीवर आपका कमज़ोर है, तो इसमें अनेक सारे लाभ हैं, इसमें अनेक सारे लाभ हैं। और इसमें आपके लिए शुगर भी कंट्रोल है। अच्छा, इसमें शुगर कंट्रोल भी होती है। इसके कैसे होगी इसके बारे में? इसके शुगर कंट्रोल के लिए ये जो अपने पत्ते ले रहे हैं आप, इन पत्तों के लिए आप तोड़ के और पानी में उबालें, एक गिलास पानी में माने 100 ग्राम करीब पानी लें, उसमें 25-30 ग्राम पानी बचे उबालते हुए, मध्य एक चौथाई लगभग, और इसमें मतलब धीमी आंच से उबालें, ये नहीं खूब तेज आग कर दो जल्दी से। हाँ, वो जल्दी से छनक जाए। नहीं नहीं, मतलब पूरा भाप बन के जल्दी से नहीं छनकना चाहिए, धीरे धीरे, ताकि इस पत्तों का जो रस है उसमें मतलब पानी में उबल के सही मिल जाए, मिल सके। तो इसके लिए आप सुबह शाम यूज करिए, तो शुगर भी आपके लिए कंट्रोल होगी। इससे मतलब कब तक ले सकते हैं इसको रेगुलर? इसके आयुर्वेदिक के बारे में तो अक्सर करके 21 दिन का तो मिनिमम कम रहता है, आयुर्वेदिक में कोई भी जड़ी बूटी का 21 दिन का कोर्स विशेष रहता है। 21 दिन हमें इसका यूज करना है, यूज करना है, कंट्रोल हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी। और इसमें आपके लिए 3 महीने भी ले सकते हैं आप, 1.5 महीने से लेकर 3 महीने तक। ये अपने बरसात में उगता है तो ये कब तक? नहीं, इसको बरसात में तो उगता है जी। लेकिन इसके लिए आप पाउडर बना के भी रख सकते हैं। अच्छा, हाँ, तो आप जैसा भी पाया जा रहा है, इसको सुखो के पाउडर बना के रखना, फिर उसको आराम से उबालना, और इसके लिए आप लगा भी सकते घर। हाँ, जब बीज निकल जाएंगे तो पानी मिलना चाहिए, तो जो कभी भी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये तो क्या है, अभी अब बरसात ऑटोमेटिक हुआ, किसी ने लगाया तो है नहीं है। हाँ, ये हमारे यहीं पे गार्डन में था, एक और लगा था जो हमारे गार्डन के अंदर, तो मैंने इसको उखाड़ के फेंक दिया, मैंने कहा ये कौन सी खरपतवार समझ के। तो इसके लिए अपन ने गमले में लगा सकते हैं, अपने आंगन में बाड़े में क्यारियाँ होती हैं उसमें लगा सकते हैं, दोबारा इसको उगा सकते हैं, इसमें छोटे छोटे बीज होते हैं, ये बहुत अच्छे। इसके स्वाद बता दूँ, यही है इसके अंदर। इसके बीज अंदर होते छोटे वाले। अच्छा, मकोई में जैसे होते, ये फल है, ये आप देख रहे हैं, ये आवरण है इसका, इसके अंदर फल निकलता है, ये मतलब फल को सेफ्टी के लिए एक प्रकार से मतलब इसमें कवर का काम करता है, और ये इसके अंदर फल है, ओरिजिनल फल ये है, ये ऊपर तो खाली इसका कवर है जिससे कि कोई नुकसान ना हो इसको, और इस फल के अंदर निकलेंगे छोटे छोटे बारीक बीज। हाँ, जो मकोई में निकलेंगे ये छोटे, अपने टमाटर में निकल, टमाटर में निकलते हैं, ये टमाटर का ही टाइप का बीज निकलेगा, वो बीज को रख सकते हैं आप। इसमें आपके लिए बढ़िया गठिया बाय में काम करता है जी। लेकिन इसका करने का तरीका, ये पंचांग बनता है इसका, जड़ तना जी, फल फूल पूरे का, हाँ पांच चीज, पहला दूसरा तना हो गया, तीसरा फल हो गया, और फूल पत्ती, हाँ मतलब पांचों चीजों से का पंचांग बोलते यार हुए देखना जी। वो पंचांग को ये काट के अपना रस बना के, तो इसमें आपके लिए गठिया बाय का लाभ होगा, लीवर में सूजन हो उसमें लाभ होगा, शुगर में लाभ होगा जी। इसके लिए किसी भी आपके शरीर में दर्द है, छोटा वोटा बुखार है, तिल्ली से बुखार चलते तो तिल्ली में भी लाभ करता है। अच्छा, ये तिल्ली में भी लाभ करता है। ये घरेलू उपाय हैं, और हमारे घरेलू उपाय क्या है, जल्दी से जल्दी, जैसे मान के चले अपन डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहे हैं, और हमारे घर पर यदि ये चीज़ है पाई जा रही है, तो ये तत्काल लाभदायक
ये पौधा है। ये पौधा आपके लिए बहुत लाभदायक है। ये पौधे का जो लाभ लेना चाहते हैं वो अपने इस पर गौर रखें और इसका फ़ायदा लें। ये बच्चों के खाने के लिए बहुत अच्छी स्वादिष्ट चीज़ है। इसका स्वाद है खट्टा-मीठा, टमाटर जैसा खट्टा-मीठा स्वादिष्ट है। हाँ, बच्चे खा सकते हैं, पकते टो के, और कहीं मिल जाए हर कोई सीख खाना चाहिए। इससे पहली बात तो जाए पेट साफ रखता है। अच्छा। पेट की गैस जो है वो साफ मतलब नहीं बनने देता, ऐसी चीज नहीं होती। इससे बवासीर में बहुत लाभ करता है जी। बवासीर किसी को है, जलन वाली बवासीर है, तो उससे आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। इसका उपयोग तो मेन जो ही पंचांग वाला, और नहीं तो पत्तियों से ही आप उपयोग करेंगे। फल का भी आप यूज ऐसे खा सकते हैं। पत्तियों का काढ़ा बनाना पड़ेगा और उसका यूज करें, और इसके लिए फल पक जाने पर इसको डायरेक्ट खा सकते हैं। अच्छा, जो लाल सा पड़ जाए, लाल पड़ जाता है, ये सुनहरी कलर का हो जाता है। इसके लिए सोन पीरी बोलते हैं इसको। अच्छा। मतलब सुनहरे कलर की हो जाती है इसलिए इसको कोई कोई सोन पीरी बोलते हैं इसको, है ना। और ये अभी हरा है तो आप देख रहे हैं, अभी हरा खाने में तो अच्छा नहीं लगता है। कड़वा टाइप का होगा, हरापन होगा, पक जाने पर ही अच्छा लगता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, यदि आपको घरेलू उपाय में, यदि घरेलू नुस्खे जानना चाहते हैं आप, तो इसका उपयोग करें। आज मैंने आपके लिए जो बताया है, यदि अच्छा लगे तो आप इसका उपयोग करें। और धन्यवाद रखें जी। धन्यवाद गुरु जी। और आज के वीडियो में आपने इसके जो, जिसे हम चिरपोटा या रसभरी बोलते हैं, गुरु जी ने एक नाम और बताया, मकबूल भी इसका बोलते हैं कहीं कहीं अपनी जिसकी जहां भाषा हो। हाँ, जैसे मान के चलिए यहाँ पे काली मकोई होती है, एक लाल मकोई होती है, इसको रसभरी मकोई बोलते हैं। तो इसके गुण आपने जाने, और आप हमें कमेंट में लिख करके भी बताइएगा कि कैसा लगा आपको वीडियो। तो मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।